हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक समॉल और मेरे पास है वीवो का T3X 5G। अगर ये सेट में आपका लैंग्वेज हो चुका है चेंज, तो आपको डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश कैसे करना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों पहले आपको जाना है, यहां पर आना है आपको सेटिंग में, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे आ जाना है, आपका लिखा होगा यहाँ पर, देखिए ये जो लोगो आप देख सकते हैं, ये चाबी का लोगो है, उसके नीचे एक लोगो है, ये आपका सिस्टम सबसे, ठीक है। सबसे नीचे आपका आ गया सिस्टम, ये आपका है अबाउट फोन और ये आपका सिस्टम। चाबी का जो जी लिखा हुआ है गूगल, उसके नीचे है आपका लॉक का सिंबल है चाबी का, अकाउंट का सिंबल है, और यहाँ पर आपका आ गया सिस्टम। चलते हैं यहाँ पर सिस्टम में। सिस्टम पर आने के बाद लिखिए, लिखा हुआ है जी बोर्ड, तीन नंबर में लिखा हुआ है जी बोर्ड, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। अभी आप सबसे ऊपर वाला को क्लिक कर लीजिए, अभी आप आ चुके हैं लैंग्वेज। यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं या फिर लैंग्वेज को भी ऐड कर सकते हैं वीवो का T3X 5G में। देखिए मैं अभी करूँगा, क्या करूँगा, हिंदी करूँगा। इसको पकड़ना है और सबसे ऊपर ले आना है एक नंबर में। देखिए सारे कुछ लैंग्वेज जो है अभी ये हिंदी हो चुका है, देखिए मैं करता हूँ अभी, देखिए ये सारे कुछ हिंदी होना है ना। तो फिर से अभी गया इंग्लिश में, तो मैं इसको पकड़ कर अभी इंग्लिश कर लिया, डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो बैक गया, फिर से बैक, फिर से बैक, और यहाँ पर देख सकते हैं आप मैं आ गया फिर से सेटिंग में। देखिए सेटिंग में आ गया, सबसे नीचे आना है, लिखा होगा आपका सिस्टम, जैसे मैं बताया था आपको, सिस्टम में आना है और यहाँ से चलना है तीन नंबर में लैंग्वेज में और एक नंबर में आना है, यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।